हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस। आई एम संतोष पानो एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश विद मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये है इडियम एंड फ्रेजेस का वीडियो। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने क्या देखा कि कोई भी इडियम एंड फ्रेज है उसके ओरिजिन से हम उसको याद कर रहे हैं ताकि हम उस इडियम एंड फ्रेज को कभी भी भूलें ना। ठीक है ना, हम उसमें एक पिक्चर देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि ये इडियम कैसे कॉइन हुई थी और कैसे आज हम इसे अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने लगे। क्लियर है? तो आई होप कि आप इन सब बातों को समझेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहली फ्रेज जो देखी जा रही है बच्चे, वो देखो क्या है कि जेल बर्ड। ठीक है, ए पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड इन जेल, ये फ्रेज यूज होती है बच्चे एक ऐसे पर्सन के लिए जो या तो जेल में है या फिर पहले रह चुका है। ठीक है, अब कोई भी पर्सन किसी कारणवश जेल में चला गया पनिशमेंट के फॉर्म में, तो जब हम उस पर्सन को बोलेंगे तो कहेंगे ये जेल बर्ड है, मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जो जेल में जा चुका है या फिर एट प्रेजेंट है, दोनों के लिए ये शब्द यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, कि भाई सलमान खान जेल बर्ड है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका आपने न्यूज़पेपर में करंट अफेयर में नाम सुना कि उस पर्सन को जेल जाना पड़ा था, तो इडियोमेटिकली हम उसको कैसे कहेंगे ये जेल बर्ड है, जिससे सामने वाला क्या समझ जाएगा कि ये पर्सन या तो एट प्रेजेंट जेल में है या फिर जेल में रह चुका है। क्लियर है बच्चे? अगर हम इसको पिक्चर से रिलेट करें तो देखिए यहाँ पर जेल का एक पिक्चर बना रखा है जिसमें एक लेडी अंदर है। ठीक है, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, जेल बर्ड। बच्चों, बर्ड शब्द क्यों बोला गया था? पुराने टाइम में हम पक्षियों को उसमें रखते थे, पिंजरे में रखते थे, और पक्षियों के लिए वो क्या होती थी, कैद होती थी एक तरीके से। तो ठीक वैसे ही हमने बर्ड शब्द यूज किया पिंजरे के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए पिंजरा ही हो गया ना कि हम इसमें कैद हो गए, तो आप इसे ये रिलेट कर सकते हो कि उस पर्सन को बर्ड के पीछे नाम दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन है पिंजरे के फॉर्म को बताने के लिए। क्लियर है बच्चे? तो अगर किसी भी एग्जाम में ये इडियम एंड फ्रेज पूछी जाती है, कोई भी सेंटेंस में यूज करता है जेल बर्ड है, तो नीचे आपको चार ऑप्शन में ये लाइन मिलेगी कि अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड इन अ जेल। ठीक है, अगर यही बात बच्चों, ये जो सेशन हम कर रहे हैं, सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम में ये चीजें आपको पता लगेंगी, आपकी वोकेबलरी यहां से एनहांस होएगी, प्लस में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये क्वेश्चन कर पाओगे। सपोज करिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये लाइन आ जाती कि अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड इन जेल, तो उसके लिए हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे जेल बर्ड। क्लियर है बच्चे? तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। इस एंटायर सेशन में जो मैं इडियम एंड फ्रेजेस का आपको दे रही हूँ बच्चे, इसमें आपको एक तो वोकैब पे काम करना है एज वेल एज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे काम करना है, साथ में ही आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का अच्छा नॉलेज लेना है। क्लियर है बच्चे? तो आई होप कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। यहाँ पर एक कहानी है बच्चे कि टू राइज लाइक अ फिनिक्स। बच्चों, फिनिक्स जो होता है वो एक, जैसे हम अपनी हिंदी में एक शब्द बोलते हैं अमर पक्षी, सुना है आपने, अमर पक्षी वो होता है जो अमर रहता है, इसीलिए इसको अमर पक्षी बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं बच्चे, तो देखो टू राइज उठना लाइक अ फिनिक्स अमर पक्षी की तरह फ्रॉम इट्स एशेज, एशेज यहाँ पर मीनिंग है बच्चे राख, मतलब राख से वापिस उठना। ठीक है, अगर ये फ्रेज की बात करें बच्चे, तो अमर पक्षी को अमर क्यों बोला जाता है? ठीक है, इसलिए बोला जाता है बच्चे क्योंकि ये जो पक्षी होता है इसकी खास बात क्या होती है, एक तो ये बहुत टाइम तक जिंदा रहता है। ठीक है, अमर शब्द हमने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि जब ये मरता है, सपोज करिए ये मर रहा है और ये इसकी एशिज हो गई राख जिसको कह सकते हैं, और इसी राख से जिसकी जो बॉडी की राख बनती है उसी राख से नया पक्षी निकलता है। तो आप अगर देखेंगे तो एक तरीके से पक्षी तो मरा ही नहीं, क्योंकि जो राख बनी उसी राख से एक और पक्षी निकल आया, तो पक्षी कैसा हो गया, अमर हो गया, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या जोड़ा जाता है, अमर पक्षी। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल राख बन गई यानी कि बिल्कुल जब ये खत्म हो जाता है और उस राख से एक नया पक्षी निकलता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं टू राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेज, मतलब अपनी राख से पैदा होना। ठीक है,
अगर यहाँ पर दूसरी पिक्चर आप देखोगे तो ये देखिए, ये बिल्कुल राख हो चुका है, और उसी राख से एक और पक्षी यानी कि नया पक्षी निकल के आ रहा है। क्लियर है? अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें बच्चे, आज इसको लैंग्वेज में कैसे यूज किया जाता है, ये तो इसकी कहानी है अमर पक्षी की, ये कैसे पैदा होता है अपनी राख से, ये इसका ओरिजिन है, माइथोलॉजी की कहानी है बच्चों ये। लेकिन जब हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? कोई एक पर्सन है बच्चों, उसको बिजनेस में बिल्कुल घाटा लग गया, बिल्कुल जीरो लेवल पे वो चला गया। अब उसने उस जीरो लेवल से वापिस उठना शुरू किया, राइट? तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि भाई बिल्कुल जीरो हो जाने के बाद वो ऊपर बढ़ रहा है, तो हमें बोलना पड़ेगा ही इज राइजिंग लाइक अ फिनिक्स। इसका ये मतलब होगा कि अमर पक्षी की तरह राख से यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से वो वापिस ग्रो कर रहा है, और इसीलिए इस फ्रेज को कहा जाता है टू राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशिस, मतलब बिल्कुल राख से उत्पन्न होना। क्लियर है बच्चे? तो जैसे आपके सामने ये लिखा आएगा तो चार ऑप्शंस में से क्या मिलेगा? टू इमर्ज रिन्यूड। रिन्यूड क्यों बोला? क्योंकि पहले वाला अमर पक्षी खत्म हो रहा है और उसी से एक नया निकल रहा है, हो रहा है, ठीक है? और आफ्टर कंप्लीट डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल खत्म होने के बाद। क्लियर है बच्चे? तो आई होप कि आप इस फ्रेज को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। पिक्चर देखने का ये फायदा होता है बच्चे कि जब आप ये फ्रेज पढ़ रहे हो साथ में पिक्चर देख रहे हो, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ये पिक्चर आपका लिंक का काम करेगा, ठीक है ना? कहीं ना कहीं जब आप फ्रेज को लिंक करके पढ़ते हो तो डेफिनेटली वो आपको याद हो जाती है। क्लियर है बच्चे? तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेज आपको करवाऊं और पिक्चर से करवाऊं, ताकि आप इनको परमानेंटली याद कर पाओ और आप एग्जाम में इसका अच्छा रिस्पॉन्स करके आओ। क्लियर है बच्चे? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट जो फ्रेज आ रही है बच्चे वो है कि अप वन स्लीव्स। बच्चों स्लीव्स होती है हमारी बाजू यानी कि भुजाएं जो होती हैं, और कपड़े की जो बाजुएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्लीव्स। और वंस स्लीव्स इसका क्या मतलब है बच्चे? कि एन आइडिया कैप्ट सीक्रेट एंड इन रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्रेज है ये ताश के खेल से कॉइन हुई है। अगर आपको पता ही होगा ताश कैसे खेलते हैं, उसमें एक हुक्म का इक्का होता है, ठीक है ना? जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है? तो ये क्या करता है कि जब भी आप खेल रहे होते हो तो आप हुक्म के इक्के को रिजर्व में रखते हो, ठीक है? कि जब भी आगे कोई ऐसी बाजी आएगी तो उसमें मैं इसको यूज कर दूंगा, जनरली होता है ऐसा, ठीक है? आपको पता ही होगा ताश के गेम में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो ये पर्टिकुलर क्या होता था कि हुक्म के इक्के को वो अपने यहाँ बाजू में लगा लेते थे। जैसे ये हमारी स्लीव्स हैं, ठीक है? इन स्लीव्स के नीचे इसको इन्होंने दबा रखा है, ठीक है? और ये क्यों दबा रखा है? कि आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो इसको यूज कर लेगा। क्लियर है? अब देखो क्या लिखा है, एन आइडिया। अब लैंग्वेज में इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये तो इसका ओरिजिन था कि भाई ऐसे ऐसे हम हुक्म का पत्ता रख लेते हैं और जब बाजी की बात आती है तो हम उसको यूज करते हैं। जब हम इसको लैंग्वेज में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? कि एक ऐसा आइडिया जिसको आपने रिजर्व में रख लिया, और किस लिए रखा? ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। क्लियर है बच्चों? प्लस माइनस सोच के हमें चलना पड़ता है ना किसी भी सिचुएशन में। तो ये वो सिचुएशन है कि जब आपने कुछ ऐसा सोच के रखा हुआ है, तो एक ऐसा आइडिया जो आपने सीक्रेट रखा हुआ है, किसी को बताया नहीं, प्लस में आप उसको फ्यूचर में यूज करने वाले हो जब उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए इस फ्रेज का नाम है अप वंस स्लीव। तो आपको आंसर क्या करके आ जाना है, एन आइडिया केप्ट सीक्रेट एंड इन रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। क्लियर है बच्चे? तो आई होप कि आप इसको समझ पाए हैं। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं बच्चे, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है बच्चों? बेसिकली मैं इसके पीछे इसकी कहानी बताती हूँ आपको, कि ये ग्रीक कल्चर की बात है बच्चे। वहां पर क्या होता था कि, और आपको पता है व्हाइट एलिफेंट जीके में क्वेश्चन आता है, थाईलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो वहां का राजा क्या था बच्चे, कि जब वो अपनी प्रजा में से किसी भी पर्सन से नाखुश होता था, मतलब उसके किसी परफॉर्मेंस से, उसके किसी काम से जब वो खुश नहीं होता था, तो वो उस बंदे को व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट कर देता था।
माइथोलॉजी की कहानी कहती है बच्चों कि जब वो किसी पर्सन से नाराज होता था अपनी प्रजा में, तो उस पर्सन को गिफ्ट कर देता था व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, अब गिफ्ट अगर वो राजा ने कर दिया है तो वो उसको बेच भी नहीं सकता, प्लस में व्हाइट एलिफेंट को रखना, उसको मेंटेन करना, उसका ध्यान रखना, ठीक है, वो काफी महंगा पड़ता था। और गिफ्ट की हुई चीज है बच्चे तो ऑब्वियसली वो उसके लिए क्या है, यूजलेस भी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये राजा ने गिफ्ट कर दिया है तो ऑब्वियसली वो उसको बेच नहीं सकता, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, और उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना काफी महंगा पड़ता था। क्लियर है? और वो उसको बेच भी नहीं सकता था। तो अब इस फ्रेज को हम लैंग्वेज में कैसे यूज करने लग गए? और ये राजा का पनिशमेंट होता था जब भी वो प्रजा में किसी भी पर्सन से नाराज होते थे। ये इसके पीछे माइथोलॉजी की कहानी है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि कोई ऐसी चीज जो आपके पास है, ठीक है, पोजेशन तो है आपका उसके ऊपर, बट वो आपके लिए कैसी है, यूजलेस है, मतलब आप उसको काम में नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि एन एक्सपेंसिव आइटम दैट इज ट्रबलसम और यूजलेस, मतलब कोई भी चीज है, कोई आइटम है, और ऑब्वियसली वो महंगा भी है, एक्सपेंसिव है, और वो आपके लिए क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है या फिर वो आपके लिए यूजलेस है। भाई अगर आपको किसी ने हाथी दे दिया तो हाथी देखो सबसे पहले एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, और लेकिन इसका ध्यान रखना, केयर करना, वो आपके लिए क्या हो गया है, ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है। ठीक है, जबकि आपको किसी ने दे दिया, आपको जरूरत थोड़ी ना थी इसकी, तो आपके लिए क्या है, क्वाइट यूजलेस भी है। क्लियर है बच्चे? एग्जाम्पल देखिए, द न्यू ऑफिस ब्लॉक हैज बिकम एन एक्सपेंसिव व्हाइट एलिफेंट, कि ऑफिस में जो न्यू ऑफिस ब्लॉक उन्होंने किसी ने खरीदा है या बनाया है, वो उनके लिए क्या हो गया है, एक्सपेंसिव व्हाइट एलिफेंट हो गया है, क्योंकि वो काफी महंगा भी है और उनके वो काम में भी नहीं आ रहा। और कोई भी चीज जो महंगी हो, काम में ना आ रही हो, तो वो चीज हमारे लिए क्या होती है, व्हाइट एलिफेंट होती है। आप देखेंगे एक कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, जब चार ऑप्शन में पूछा जाएगा कि भाई किसी कोई भी पर्सन है उसके पास कोई चीज है, और वो ये कहे कि भाई ये चीज तो मेरे लिए व्हाइट एलिफेंट हो गई है, व्हाइट एलिफेंट को अंडरलाइन करके वो आपसे मीनिंग पूछेगा बच्चे, तो चार ऑप्शंस में से आपको एक लाइन ये मिलेगी, एक कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। मैंने यहाँ पर वो लाइनें लिखी हैं बच्चे जो चार ऑप्शंस में से आपको एक दिखेंगी और आपको देखते ही क्लिक कर देना है। क्लियर है बच्चे? तो आपको ये बात समझ आई होगी कि व्हाइट एलिफेंट कैसे कॉइन हुआ था, इसका सेंस क्या था। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो महंगी है लेकिन उसका ध्यान रखना, उसका मेंटेनेंस रखना बहुत ज्यादा महंगा भी है, प्लस में यूजलेस भी है वो चीज आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे मेयर्स नेस्ट। बच्चों मेयर होता है घोड़ी, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, ठीक है, और मेयर का मतलब होता है घोड़ी। ठीक है, घोड़ी का घोंसला, तो जैसा इसका फ्रेज का नेम है, क्या घोड़ी कभी घोंसले में रह सकती है बच्चे? जैसा इसका नाम है आपको उसी से समझ आ रहा है, लिटरल मीनिंग से ही आपको बात समझ आ रही है, क्योंकि घोड़ी कभी घोंसले में नहीं रहती। तो ये जो बात है कुछ इरेलीवेंट सी दिख रही है हमें, अगर हम इसको समझें बच्चे तो देखियो कि ये मच वॉन्टेड डिस्कवरी विच लेटर टर्न्स आउट यूजलेस। वॉन्टेड का मतलब ये होगा जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है, जो बहुत ही ज्यादा जिसके ऊपर बात चल रही है, टॉक मतलब बहुत ज्यादा बातचीत ऐसी हुई है, लेकिन जब वो बाद में वो चीज हमारे लिए कैसी हुई, यूजलेस साबित हुई। मतलब कोई ऐसी चीज, जैसे मैं ये कह दूं, जैसे जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है, कि टीचर भी पढ़ा देता है कि बेटा ये रूल याद कर ले, ये रूल याद कर ले, ये रूल याद कर ले। अब बच्चे ने रूल पे बहुत सारा काम किया, जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने बैठा तो रूल से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो अब ये देखिए कि जो रूल वाली जो बात थी वो मच वांटेड भी थी, क्योंकि बच्चे ने काफी हवे हवे के तौर पे उसको पढ़ा कि भाई हाँ मेरा काम बन जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उसका रिजल्ट आया तो उस रूल से उसको आंसर नहीं मिला, उसको नंबर नहीं मिला। तो वो कैसी डिस्कवरी थी? डिस्कवरी तो की उसने कि भी रूल से इंग्लिश को पढ़ा, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठा तो फिर उसका आंसर वो नहीं निकला, तो वो चीज उसके लिए क्या साबित हुई, मेयर्स नेस्ट। क्लियर है बच्चे? तो देखो एक बार क्या कह रहा है ये, कि ए मच वॉन्टेड डिस्कवरी
विच लेटर टर्न्स आउट यूजलेस। और यही इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई डिस्कवरी तो आपने कोई कर ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए कैसी साबित हुई, यूजलेस हुई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, या फिर आप ये कहो ए वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, क्योंकि ये खुद जो लिटरल मीनिंग है वही आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि घोड़ी कभी घोंसले में नहीं रहती। ठीक है, तो ए वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज आ रही है बच्चे, दैट इज बुल इन द चाइना शॉप। ठीक है, जैसा इसका लिटरल मीनिंग है वो क्या है बच्चे, बुल सभी जानते हो क्या होता है। बुल चाइना शॉप का मतलब ये है बच्चे, एक ऐसी दुकान जिसपे चीनी मिट्टी के बर्तन बेचे जाते हैं। ठीक है, चाइना शॉप का यहाँ पर क्या मतलब है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, जैसे अपने मग होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और बर्तन होते हैं जिसमें अचार रखते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, चाय के कप, डिनर सेट, ये देखो आप एक बार पिक्चर में देखिए। ठीक है, बुल इन द चाइना शॉप, ये कोई चाइना शॉप है बच्चे जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, इसमें एक बुल खड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, ये चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और यहाँ पर एक बुल घुस गया बच्चे, और बुल थोड़ा सा इधर उधर हिला और उसने तबाही मचा दी। ठीक है, और सारा का सारा जो नुकसान होगा, सारे के सारे ये बर्तन टूट जाएंगे, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, वेरी केयरलेस एंड क्लमजी। क्लमजी का मतलब भद्दा लग रहा है। चीनी मिट्टी के बर्तनों की जो शॉप होगी बच्चे, वो काफी अट्रैक्टिव होती है, काफी ब्यूटीफुल होती है, वो उसको देख करके काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बर्तन चमक रहे होते हैं और सुंदर सुंदर आइटम रखे होते हैं। अब वहां पर अगर कोई बुल खड़ा है तो सिचुएशन कुछ अटपटी नहीं हो गई, कि एक इतनी सुंदर दुकान में और एक बुल खड़ा है, तो वो बुल वहां पर भद्दा दिख रहा है। क्लमजी का मतलब क्या है, भद्दा दिख रहा है। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या जोड़ी, इन ए डेलिकेट सिचुएशन। तो डेलिकेट सिचुएशन का ये मतलब है कि बुल थोड़ा सा हिलेगा, इधर उधर चलेगा, और इतनी देर में उसके बहुत सारे बर्तन टूट जाएंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेलिकेट सिचुएशन भी है, भद्दा भी दिख रहा है और सिचुएशन कैसी है, वेरी डेलिकेट है। अब सपोज करिए बच्चे, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, सपोज करिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है, वहां पर काफी इंटेलिजेंसिया से लोग हैं वहां पर, वो जो बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। अब सपोज करिए उस मीटिंग में कोई गांव का अनपढ़ आदमी बैठा हो, तो वो अपने आप को क्या फील करेगा, कि भाई मैं अच्छा भी नहीं दिख रहा, क्योंकि बाकी सारे तो जेंटलमैन बने बैठे हैं, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में मतलब उनका ड्रेस जो सेंस है वो बिल्कुल अलग है, कोट पैंट पहने बैठे हैं वो, अपना देहाती लुक में बैठा है, तो एक चीज तो वो उसमें कैसा दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है। डेलिकेट सिचुएशन का क्या मतलब है, कि जब भी वो बातचीत करेंगे, सपोज करिए वो इंग्लिश बोलेंगे, वो गांव की देहाती लैंग्वेज बोलेगा, तो वहां पर वो अपने आप को क्या फील कर रहा है, भाई डेलिकेट सिचुएशन है, कुछ बोलूं या ना बोलूं। और मैक्सिमम लोग इस केस में ना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करने लग जाते हैं। तो सेम इसका यही मीनिंग है बच्चे, कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जो डेलिकेट भी है, और उस सिचुएशन में आप भद्दे भी लग रहे हो, और यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बुल इन द चाइना शॉप, तो नीचे चार ऑप्शन जब होंगे बच्चे, तो वहां पर ये लाइन आपको मिलेगी कि वेरी केयरलेस एंड क्लमजी इन अ डेलिकेट सिचुएशन, ये पूरी लाइन आपको मिलेगी और आप देखते ही इसको टिक कर दोगे। ठीक है, पिक्चर से जरूर रिलेट करेंगे बच्चे, क्योंकि जब आप पिक्चर से रिलेट करोगे तो आप इसको लाइफ टाइम में भूलेंगे नहीं। ठीक है, बुल का मतलब आप समझते हो, चाइना शॉप का मतलब यहां पर है चीनी मिट्टी के बर्तनों की कोई भी शॉप। ठीक है, जैसा कि एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज आ रही है बच्चे, दैट इज फैबियन पॉलिसी। ठीक है, ये जो फ्रेज है बच्चे, माइथोलॉजी की कहानी ये कहती है कि ये जो फ्रेज है ये इस पर्सन के नेम से रखी गई थी। ये एक पर्सन का नेम है फैबियस मैक्सिमस। ठीक है, अब ये जो पर्सन है इसका नाम है फैबियस, ये जो पर्सन है यहाँ पर ये है हमारा फैबियस। ठीक है, और ये एक ऐसा वॉरियर था बच्चे, एक ऐसा योद्धा था, ठीक है, जो लड़ाइयाँ वगैरह करता था, जैसे ये वॉर वगैरह होते थे। प्रॉब्लम क्या थी बच्चे, कि इनके पास जो आर्मी थी उसमें बहुत ही कम लोग थे। ठीक है, मतलब इसके पास कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, बहुत ही थोड़े लोग थे इसकी सेना में। ठीक है, अब ये पर्सन क्या दिमाग लगाता था, कि भाई सामने वाली जो दुश्मन जो टीम है उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, तेरे पास तो बहुत कम लोग हैं, तो ये क्या दिमाग लगाता था, कि भाई मैं इनके सामने तो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इतने मैन पावर है नहीं। तो ये क्या करता था, ये कुछ कूटनीतियां अप्लाई करता था। क्या करता था, दुश्मन की जो सेना होती थी बच्चे, उनकी कभी तो वाटर सप्लाई बंद कर देता था,
कि भाई पानी नहीं मिलेगा तो प्यास से मर जाएंगे, मतलब सेना को कम करने की कोशिश करता था। कभी ये जाके क्या करता था, फूड सप्लाई बंद करवा देता था। इसका ये मानना था कि भाई अगर फूड और वाटर सेना को नहीं मिलेगी तो वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही उनकी संख्या कम होगी तो मैं टक्कर कर लूंगा उनसे। ठीक है, ऐसा इसका मानना था। ठीक है, ये फ्रेज यहीं से कॉइन हुई है बच्चों। तो इसका क्या मतलब था, देखो, डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, ये जानबूझ करके स्लो हुआ बैठा था ना, कि भाई जैसे जैसे इसके लोग मरेंगे इसकी आर्मी छोटी हो जाएगी, उसके बाद मैं टक्कर ले लूंगा। तो डेलिब्रेट का मतलब यहाँ पर है जानबूझ करके, स्लो पॉलिसी जो धीरे कर रखी थी, ऑफ डिलेइंग द डिसीजन, इसका ये मतलब है जब इसने जानबूझ करके डिले डाला हुआ था कि भाई कभी वाटर सप्लाई बंद कर दो, कभी फूड सप्लाई बंद कर दो, जिससे क्या होगा कि उनको फूड और वाटर नहीं मिलेगा तो दुश्मन सेना जो होगी वो अपने आप ही मर जाएगी। ठीक है, तो जानबूझ करके ये कर रहा था। इस फ्रेज को लैंग्वेज में कैसे यूज करने लगे कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी चीज में जानबूझ करके डिले कर रहा है डिसीजन में, जैसे जनरली गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं अपने यहाँ पर, काम तो होते हैं बट जानबूझ करके उनको स्लो किया जाता है। तो हमारे जितने भी सरकारी काम होते हैं वो किस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, फैबियन पॉलिसी, और फैबियस के नाम से इस पॉलिसी का नाम रखा गया था, फैबियन। क्लियर है, जैसे इंडिया से इंडियन बनाते हैं ठीक वैसे ही फैबियस से इसका नाम बनाया गया था, फैबियन। और पॉलिसी किसकी, फैबियन वाली। और कौन सी पॉलिसी है फैबियन वाली, डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग द डिसीजंस। तो ये इसका मीनिंग है। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं, हेल्शियन डेज। जैसा इसका मीनिंग है बच्चे कि हेल्शियन डेज, तो इसने लिखा है काम, बिल्कुल शांत एंड पीसफुल डेज। अब ये जो फ्रेज है ये कैसे कॉइन हुई थी, मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ आपको। सबसे पहले जो ये एक इसमें जो शब्द आ रहा है बच्चे हेल्शियन, इसमें से ये शब्द उठा लो एल्शियन। ठीक है, एल्शियन जो है ये एक लड़की का नाम है। ठीक है, और कैसे ये कॉइन हुई थी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, हुआ क्या था कि ये जो लड़की है ये किसी लड़के से, कहते हैं कि भाई प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के की डेथ हो गई थी। माइथोलॉजी की कहानी है बच्चों, हो सकता है ये सच है भी कि नहीं पता नहीं, कह नहीं सकते कुछ। ठीक है, माइथोलॉजी है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो लड़की थी वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी और उस लड़के की डेथ हो गई। ठीक है, अब इसका जो लड़की का जो पिता था उसने क्या सोचा कि भाई ये लड़की तो ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये भी सोचने लगी थी कि मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसके जो पिताजी हैं वो हवाओं के देवता थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हवाओं के देवता थे, तो उन्होंने अपनी पावर से इस लड़की को एक पक्षी बना दिया। ठीक है, और उस पक्षी जो बनाया बच्चे वो वैसा ही पक्षी है जैसा अपने यहाँ पर नीलकंठ होता है। ठीक है, जैसे मैंने पिक्चर लगा रखी इसको देखो, ऐसा पक्षी उसको बना दिया। अब ये क्या खास बात थी बच्चे, ये जो पक्षी है ये पानी में जब अंडे देता था तो उस दौरान पानी में कोई भी ज्वारभाटा या कोई भी ऐसी हलचल नहीं होती थी। ठीक है, अब आप सोचो अगर पानी में ज्वारभाटा नहीं आएगा तो पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए वो जिंदगी कैसी हो जाएगी, ज्वारभाटा नहीं आ रहा तो वो स्मूथ जिंदगी जिएंगे, उनके लिए वो पीसफुल डेज होंगे, शांत रहेगा सब कुछ। तो इसीलिए बच्चों ये वरदान था इसको कि जब ये अंडे देता था उन दिनों में समुद्र में कोई भी ज्वारभाटा नहीं आता था, और समुद्री जीवों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छे होते थे, खुशगवार दिन होते थे, कोई प्रॉब्लम उनको इन दिनों में नहीं होती थी। ठीक है, इसीलिए इन दिनों को हमने बोल दिया हेल्शियन डेज। ये कौन से डेज हैं, जब वो पक्षी अंडे देता है और उन दिनों में कोई भी ज्वार भाटा या कोई भी समुद्री हलचल नहीं होती, समुद्र बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है, और यहीं से ये फ्रेज कॉइन हुई। आफ्टर दैट हम इसको लैंग्वेज में कैसे यूज करने लगे, सपोज करिए कोई पर्सन कहता है भाई स्कूल डेज जो थे वो मेरे हेल्शियन डेज थे जिंदगी के, मतलब स्कूल डेज में हमें कोई टेंशन नहीं थी कि भाई जॉब को लेकर के या पैसे कमाने को लेकर के, तो वो डेज हमारे कैसे होते हैं, हेल्शियन डेज होते हैं। कोई कहता है कि जो बचपन के दिन होते हैं हमारे वो लाइफ के क्या होते हैं, हेल्शियन डेज होते हैं। कोई कहता है शादी से पहले के जो दिन होते हैं वो हेल्शियन डेज होते हैं। ये हर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं। तो हेल्शियन डेज का बेसिक जो मीनिंग है बच्चे वो क्या है कि जिंदगी के बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत और पीसफुल डेज।
क्लियर है? तो कहानी आपको समझ आई होगी कि कैसे उन्होंने अपनी पावर से लड़की को पक्षी बना दिया था, और ये ऐसा पक्षी था जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है? ये हेल्सियन बर्ड है और इसी से ये कहानी बनी है, ठीक है जी? नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे आगे, कैट स्पा। कैट स्पा का मतलब क्या होता है बच्चों? कैट का मतलब समझते हो सारे? बिल्ली। और पा का मतलब होता है पंजा, ठीक है भाई? अब देखो इसका क्या मीनिंग है और कैसे ये फ्रेज बनी थी, ठीक है? देखो बच्चे, हुआ क्या था, माइथोलॉजी क्या कहती है कि एक पर्सन था बच्चे, और ये कोई बंदा है, पर्सन है, और उसने दो अपने पेट रखे हुए थे। एक तो था इसमें कैट और एक था मंकी, ये इसके दो पेट हैं। जैसे पिक्चर में देखो, ये रही बिल्ली, ये रहा बंदर। अब ये क्या करता है, एक दिन क्या करता है कि ये आग जला रखी है यहाँ पर, इस आग में नट्स रख देता है, ठीक है? और क्या कहता है, इनको स्पेशल हिदायत देके जाता है कि जब तक मैं शहर से वापस नहीं आता, वो किसी काम से शहर जाता है, और क्या कहता है कि ये नट्स आपको नहीं छेड़ने, ठीक है? और ये हिदायत दे करके वो शहर में चला जाता है, क्लियर है? अब क्या होता है, पीछे से मालिक चला गया, ये बंदर है, ये बिल्ली है। अब जो बंदर होता है, ये बिल्ली की बहुत ज्यादा प्रेज कर देता है, तारीफ कर देता है कि बिल्ली मौसी, आप तो बड़ी चतुर बताई जाती हो सोसाइटी में, ठीक है? आप तो चालाक बताई जाती हो, तो क्यों ना हम ये नट्स निकाल लें। बंदर ने बिल्ली को उकसा दिया नट्स निकालने के लिए। अब बिल्ली क्या करती, अपने पंजे मारती, ये पा है उसका, पंजा है, इसमें पंजे मारती और नट निकालती। जैसे ही नट निकालती, बंदर खा जाता, ठीक है? जैसे ही बिल्ली दूसरा नट निकालती, बंदर खा जाता, फिर नट निकालती, बंदर फिर खा जाता, ऐसे चल रहा था इनका। अब ये देखिए, ऐसे करके बिल्ली ने सारे नट्स बाहर निकाल दिए, बंदर ने खा लिए। अब जैसे ही इनका मालिक वापिस आता है, तो मालिक आते ही देखता है भाई नट्स तो एक भी नहीं है इसके अंदर, तो उन्होंने कहा कि दिखाओ तुम्हारे पंजे, दिखाओ किसने खाए हैं। अब देखो बंदर के पंजों को क्या हो रखा था, कुछ भी नहीं हो रखा था। अगर बिल्ली के जब पंजे उसने देखे, तो इसके जैसे पंजों के बाल जल गए थे बेचारी के, ठीक है? राख लगी हुई थी, तो पकड़ा कौन गया, बिल्ली। नट्स किसने खाए, बंदर ने। बस यही आपकी फ्रेज है बच्चों। क्या मीनिंग है इसका, कि अ पर्सन यूज अनविलिंगली। अनविलिंगली का क्या मतलब है, कि मैं बिना इच्छा से। अब बिल्ली की तो कोई इच्छा नहीं थी नट्स खाने की, ठीक है? किसने उकसाया था, बंदर ने, ठीक है? तो अब देखो कि अ पर्सन यूज अनविलिंगली बाय अनदर टू अकम्प्लिश द अनदर ओन पर्पज। मतलब बिल्ली बंदर के पर्पज को, पर्पज यहां पर किसका था, मंकी का, ठीक है? और पकड़ा कौन गया, बिल्ली। यूज कौन हो गई अनविलिंगली, यहां पर कैट। बस यही इस फ्रेज का मीनिंग है, ठीक है? अब इसको लैंग्वेज में कैसे जोड़ा गया, लैंग्वेज में इसलिए जोड़ा गया कि मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसमें आप तो कोई गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन आपको कोई दूसरा फंसा दे उस काम को करने के लिए, उकसा दे थोड़ा सा, और फिर आप उस काम को करते हो, और उस काम के पीछे उस दूसरे पर्सन का क्या होता है, पर्पज होता है कोई ना कोई। और इसीलिए इस फ्रेज का मीनिंग है कि अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन यूज अनविलिंगली बाय अनदर टू अकम्प्लिश द अनदर ओन पर्पज। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे पर्सन को बिना इच्छा से अनविलिंगली यूज करना, और ये आज हमारी सोसाइटी में इसका मीनिंग है। तो आई होप कि आपको बंदर और बिल्ली वाली कहानी समझ आई होगी, ठीक है? थोड़ा सा पिक्चर से रिलेट करोगे तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, हरकुलियन टास्क, ठीक है? ये हरक्यू जो टास्क है बच्चे, यहां पर भी एक बंदे का नाम था हरक्यूलियस। ये जो फ्रेज जब बनी थी, तो हरक्यूलियस एक पर्सन का नेम है, और इसने एक दिन गुस्से में आकर के अपनी वाइफ और अपने बच्चों को, यानी कि चिल्ड्रन को मार दिया था, ठीक है? बहुत ज्यादा इसको एक्सट्रीम एंगर आ गया था, और उसने क्या किया, जाकर के अपने इनको मार दिया। मारने के बाद ये रिग्रेट फील करता है बच्चे, बहुत ज्यादा इसको पछतावा होता है। तो फिर किसी ने बताया कि भाई इस पछतावे का मैं क्या करूं, मतलब कैसे मैं अपने आप को इस दुविधा से बाहर निकालूं कि मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया। तो होता क्या है बच्चे, कि एक पर्सन होता है, इसका कजन होता है, ठीक है? इस हरक्यूलियस का कजन होता है, और ये कजन क्या करता है कि इस कजन और अंकल, अंकल और कजन के बीच में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी होती है, ठीक है? किसी ने क्या कह दिया कि तू तेरे ना भतीजे की जाके सेवा कर, ठीक है, तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। माइथोलॉजी क्या कहती है, कि तू भतीजे की जाकर के सेवा कर, और तेरे तो सारे पाप धुल जाएंगे।
ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने इस रिग्रेट को ओवरकम करने के लिए जाके कजन की सेवा करने लग जाता है। अब होता क्या है बच्चे, ये जो कजन होता है, क्योंकि ये तो दुश्मनी निकाल रहा है इसी केस में, ये क्या करता है, मुश्किल से मुश्किल काम देता है इसको, ठीक है। कभी जाके कहता है कि सांप से खेल के आओ, कभी जाके कुछ कहता है। एक बार तो इसने ये कह दिया था कि शेर के मुंह में हाथ डालो, ये देखो ये जो पिक्चर दिख रही है, कि शेर के मुंह में हाथ डाल के आओ। तो ये जो काम देता था बच्चे, ये मुश्किल से मुश्किल काम देता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होते थे ये जानबूझ करके, ठीक है। तो ये जो फ्रेज कॉइन हुई थी, इसके पीछे रीजन क्या था कि भाई हरक्यूलियन टास्क, मतलब काम कैसा, जो हरक्यूलियन वाला काम, तो हरक्यूलियन तो मुश्किल से मुश्किल काम करता था बेचारा, तो इसी से ये फ्रेज बनी थी कि ये टास्क वेरी हार्ड टू परफॉर्म, एक ऐसा काम जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है करना, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है कि कजन 12 साल तक इसने ये काम किया था बच्चे, ठीक है, और इसी से ये फ्रेज बनी थी, हरक्यूलियन से बनी, हरक्यूलस से बनी थी हरक्यूलियन, ठीक है, ऐसे ये कॉइन हुई थी, क्लियर। तो एक ऐसा काम जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मांगता है, उसी को कहा जाता है हरक्यूलियन टास्क। जैसे मैं ये कहूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, आईएएस एग्जाम को पास करना क्या है, हरक्यूलियन टास्क है, मतलब बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत सारे आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, परसिवियरेंस रहना पड़ता है, लगातार जारी रखने पड़ते हैं अपने एफर्ट्स को। तो इसीलिए बच्चों इसी को नाम दे दिया जाता है हरक्यूलियन टास्क। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे हिट बिलो द बेल्ट, जैसा फ्रेज मीनिंग कह रही है, हिट करना, ठीक है, और बिलो यानी कि नीचे, और बेल्ट का मतलब हो गया यहाँ पर बेल्ट। बच्चों ये जो फ्रेज है ये बॉक्सिंग के फील्ड से ली गई है, ये जो कॉइन हुई थी ये बॉक्सिंग के फील्ड से हुई थी। जैसा आप एक बार पिक्चर में देख रहे हो कि ये बेल्ट पहन रखे इन्होंने, और बेल्ट के नीचे अगर कोई पर्सन हिट करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, अनफेयर माना जाता है, मतलब वो आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, टू डू और से समथिंग अनफेयरली, मतलब बेल्ट से नीचे हिट करना अनफेयर माना जाता है, फेयर नहीं माना जाता, ठीक है। तो अगर मान लो, क्योंकि अगर यहाँ पर हम मारेंगे तो वो अनफेयर में काउंट होगा बच्चे, तो अगर इस फ्रेज की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि उसने बहुत ही अनफेयर कोई भी काम किया या अनफेयर कोई भी बात कही, तो मैं क्या बोलूँगी, ही हैज़ हिट बिलो द बेल्ट, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो बिलो द बेल्ट का मीनिंग हमने क्या सीखा, कोई भी ऐसा काम टू डू और से समथिंग अनफेयरली, मतलब जो फेयर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। मिडास टच, ठीक, पीछे जो माइथोलॉजी की कहानी है बच्चे वो क्या है कि मिडास नाम का एक किंग होता है, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा लालची होता है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा धन होता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मैं करूं इकट्ठा, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि उसको कोई क्या कहते हैं वरदान मिला हुआ है, ठीक है, तो उस वरदान में उसको क्या मिला कि भाई अगर आप किसी भी चीज को टच करोगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर आप जाके किसी भी चीज को टच करोगे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। मिडास बड़ा खुश हो गया कि मजा आ गया, अब तो सोना ही सोना कर दूंगा मैं, ठीक है। अब वो पर्सन खुश होके घर आया, उसने आते ही जाके कभी टेबल को टच कर रहा है, कभी बेड को टच कर रहा है, कभी किसी चीज को टच कर रहा है, और वो चीजें देखते ही देखते सोने में कन्वर्ट हो गई। राजा बहुत खुश हो गया। अब क्योंकि वो लालची था, लगा रहा है सारे दिन इस काम में, शाम होते होते उसको प्यास लग गई, ठीक है, तो उसने कहा कि बेटा पानी का एक बर्तन लेके आओ, ठीक है, पानी लेके आओ। अब जब वो लड़की पानी लेके आती है, उसकी बेटी, तो क्या करता है, वो पानी को जब हाथ लगाता है तो वो भी सोने का हो जाता है, ठीक है। फिर वो सारे दिन ऐसे करके बेचारा दुखी हो जाता है, और आखिर में क्या करता है, अपनी बेटी को गले लगा लेता है, ठीक है। तो देखते ही देखते बेटी भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर बच्चे। तो एक बार पिक्चर देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये जो पर्सन है ये राजा है, ये मिडास है, ठीक है, और ये इसकी बेटी है, ठीक है। जैसे ही इसने बेटी को टच किया ना, तो ये गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। साइडों में आप चीज देख रहे हो, ये सारी देखो गोल्ड की रखी हुई है, इसी कहानी से आप रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो ये तो थी इसकी कहानी, बट इस फ्रेज को लैंग्वेज में कैसे यूज किया गया कि भाई टच, टच मतलब छूना, टच कैसा, मिडास जैसा, इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी काम में हाथ डालोगे,
टच करोगे किसी काम को, शुरू करोगे किसी बिजनेस को, और उसमें डेफिनेटली आपको फायदा ही फायदा होगा. दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड मिडास टच. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बात करती हूँ अंबानी, अंबानी कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उनको फायदा ही फायदा मिलता है. तो हम कह सकते हैं कि जो अंबानी का जो टच है वो मिडास टच है. मतलब किसी भी काम को, किसी भी वेंचर को आपने शुरू किया और उसमें आपको फायदा ही फायदा मिल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं मिडास टच. क्लियर है बच्चे? तो आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे. एग्जाम में जब आएगा बच्चे तो वो लिखेगा मिडास टच, नीचे जो चार ऑप्शंस होंगे उसमें आपको जरूर मिलेगा कि अ पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल. मतलब किसी भी वेंचर को फायदे में जो बदल दे, ऐसे टच को हम कहते हैं मिडास टच. ये सेम बातें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछी जाती हैं, ये ईडीएम एंड फ्रेजेस में भी पूछी जाती हैं. क्लियर है बच्चे? तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, नेक्स्ट जो फ्रेज आ रही है बच्चे, दैट इज पेंडोराज बॉक्स. ठीक है, ये जो पेंडोरा है ये किसी लेडी का नाम है बच्चे, गोडेस होगी या कोई लेडी का नाम है. ठीक है, अब ये जो फ्रेज है ये कैसे बनी थी, देखो ये जो पेंडोरा है ये बहुत ही ज्यादा वर्शिप करती थी, बहुत ही सारी पूजा करती थी, और पूजा करने के बाद इसको वरदान मिला था कि इसको एक बॉक्स दे दिया गया था. ठीक है, बॉक्स मतलब कोई बक्सा सा दिया गया इसको, और इसको खास एक हिदायत दी गई थी कि इस बॉक्स को कभी खोलना मत. ठीक है, ये जो बॉक्स आपको मिला है इसको कभी खोलना मत. अब ह्यूमन बीइंग की क्या टेंडेंसी होती है, जिस काम के लिए मना किया जाता है उस काम को हम बहुत जल्दी करते हैं और बड़ी उत्सुकता से करते हैं कि मना किया है तो जरूर इसमें कोई खास चीज होगी. ठीक है ना, जैसे मुझे मेरे कॉलेज टाइम के जो दिन है वो याद आते हैं. जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैं क्या करती थी, मेरे पास एक डायरी थी और उसके ऊपर मैंने लिखा था कि इसे पढ़ना मत, और मैंने मेरे बेड के पास एक टेबल था उसके ऊपर रख दिया था. जो भी लड़की मेरे पास हॉस्टल में उस रूम में आती सबसे पहले उसको पढ़ने लग जाती, तो मैं उसको कहती इसके ऊपर क्या लिखा है, इसे पढ़ना मत, फिर भी आप पढ़ती जा रही हो. क्योंकि ह्यूमन बीइंग की ये टेंडेंसी है कि जिस काम के लिए मना किया जाता है उसको यूं लगने लग जाता है कि पता नहीं इसमें क्या है, मतलब हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है. ठीक वैसा ही पेंडोरा के साथ भी हुआ, इसको मना किया गया था कि इस बॉक्स को कभी खोलना मत, बहन जी ने आते ही खोल लिया, और जैसे ही खोला बच्चे तो दुनिया की जितनी भी इविल्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं वो यहां से बाहर निकली. ठीक है, जैसे ये देखो ये सारी बुराइयां हैं, कोई राक्षस है, कोई डाइन है, कुछ भी है, तो ये सारी इस बॉक्स से क्या निकल रही है, बुराइयां निकल रही हैं. माइथोलॉजी कहती है कि उस दिन से हमारी सोसाइटी में बुराइयों का जन्म हुआ. ठीक है, ये जितनी भी बुराइयां हैं, जुआ खेलना, स्मोकिंग करना, ये जितनी भी बुराइयां हैं ये हमारे समाज में वहां से आई. ठीक है, ये माइथोलॉजी कहती है बच्चे. तो हमें, क्योंकि बेसिकली देखो बच्चे हमें ये भी नहीं जाना कि ये कहानी सच है या झूठ है, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है इडियम एंड फ्रेजेज याद करने से, चाहे वो किसी भी तरीके से हमें याद हो जाए. एम आई राइट बच्चों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर टारगेट है वो ये है कि हम अपने पेपर में जब फ्रेज आए तो उसका सही आंसर कराएं, हमें इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा वो इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं खुद नहीं मानती, लेकिन क्योंकि हमें फ्रेजेस याद करनी है, तरीका कोई भी हो हमें तो आउटपुट से मतलब है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है. और रिजल्ट ओरिएंटेड काम कब आएगा बच्चे, जब हम किसी भी फ्रेज को लिंक से जोड़ के पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी फ्रेजेस पढ़ी, आगे की पढ़ी तो पीछे की भूल गई, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम अपने एफर्ट्स को बेकार नहीं जाने देना चाहते. तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ी सी अटपटी भी लगे, बट सच्चाई ये है कि अगर आप इनको कहानियों से पढ़ते हो तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाती है. जब मैंने इनको कहानियों से पढ़ा तो मैं आज तक इनको नहीं भूली हूँ, तो सेम अप्लाईज ऑन यू, वो आपके ऊपर भी अप्लाई होता है. आप भी जब इनको ऐसे पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप नहीं. ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट फ्रेज हमारी आ रही है बच्चे, टू सो द ड्रैगन टीथ. बच्चों देखो एक बार इसका लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं. सो का मतलब होता है बोना. ठीक है, कोई भी चीज को बोना, जैसे बिजाई वगैरह करते हैं. ड्रैगन यहां पर क्या है, कोई भी एक ड्रैगन है. ठीक है, ये ड्रैगन है, और टीथ का मतलब होता है दांत. ठीक है, ऐसे कहते हैं कि किसी जगह पे एक ड्रैगन होता था और वो पूरे एरिया की मतलब सेफ गार्ड करता था उसको. ठीक है, मतलब किसी भी मुसीबत से वो बचाता था.
ठीक है, ड्रैगन पूरी सुरक्षा करता था उस एरिया की। माइथोलॉजी ये कहती है कि वो जो ड्रैगन था वो क्या था कि पूरे वहां पर एरिया को सुरक्षित रखता था, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होने देता था। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, इस ड्रैगन की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब वहां की जो महारानी थी उसने क्या बोला कि भाई ड्रैगन तो मर गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, और वो हमारी इतनी सिक्योरिटी करता था। ठीक है, तो एक काम करो, जो ड्रैगन के जो टिथ होते हैं इनको जमीन में गाड़ दो। ठीक है, एक-एक टिथ लो और इनके जमीन में गाड़ दो, इससे और ड्रैगन पैदा हो, राज्य है उसकी क्या करेंगे, फिर से सुरक्षा करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो अप्रोच थी ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगाई गई थी कि भाई बोने से, दांत बोने से वापस से ड्रैगन पैदा होंगे और हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, पॉजिटिव सोच थी इसके पीछे। लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा निकला। क्या उल्टा निकला कि यहां से जो वॉरियर जो बने या जो ड्रैगन निकले उनकी आपस में ही लड़ाई हो गई, और ज्यादा लड़ाई होने से उल्टा माहौल जो था वो ट्रबलसम हो गया, मतलब पूरा ही सिचुएशन वर्स हो गई। ठीक है, हम किसी काम को पॉजिटिव सोच के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका रिजल्ट ऑपोजिट निकले, इसी फ्रेज का ये मीनिंग है। ठीक है, पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम किसी काम को कर रहे हैं कुछ अच्छा होने के लिए, बट रिजल्ट उसका क्या निकल रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट निकल रहा है, तो यही इस फ्रेज का मीनिंग है जो आज हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, ये दिख रहे हैं ना बच्चे, ये जो दिख रहे हैं ये टिथ हैं इसकी, पिक्चर में देखो, और सो यानी कि बिजाई कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, टिथ की, ड्रैगन के टिथ की, ये बिजाई का काम चल रहा है जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो इसका फ्रेज क्या है, मीनिंग क्या है, समथिंग दैट इज इंटेंडेड, इंटेंड है बच्चे ये, इंटेंड का मतलब होता है चाहत होना, इच्छा होना, इंटेंडेड, समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू बी गुड, मतलब चाहत तो इसके पीछे क्या थी, अच्छा होने की, बट एंड अप जो खत्म होती है किसमें, क्वाइट ऑपोजिट, लेकिन जिसका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल ही क्या आ जाता है, ऑपोजिट आ जाता है, उल्टा आ जाता है, और इसी फ्रेज को कहते हैं टू शो द ड्रैगन टिथ। क्लियर है बच्चे, किसी चीज को आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से शुरू कर रहे हो कि इससे हमें फायदा होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज आपकी किसमें, डिजास्टर में या फिर किसी प्रॉब्लम में अगर एंड अप होती है, तो यही इस फ्रेज का आपका मीनिंग है। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा सेशन बच्चों, जिसमें हमने ईडीएम एंड फ्रेजेस डिस्कस करी। ठीक है, आई होप कि आप इनको पिक्चर से जरूर रिलेट करेंगे, और डेफिनेटली अगर आप इसको पिक्चर से रिलेट करके पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है बच्चों, तो इससे पहले हमने एक और वीडियो सेशन आपके सामने डिस्कस किया था, आप उसको पढ़ के रखेंगे, प्लस में आप इसको भी पढ़ेंगे जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। क्लियर, सो इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन, आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन, टिल देन यू टेक केयर।